बढ़ेंगे आगे। अगली कॉल हमारे साथ फोन लाइन पर है, निवेदिता है गाजियाबाद से। नमस्कार निवेदिता, पूछिए क्या सवाल है। हाय मैम, मुझे ये पूछना था कि एक एफडी लेनी है मुझे, तो बस कंफर्म करना था कि टैक्सेस इसमें डिडक्ट होगा या क्या, मतलब टैक्सेस के बारे में पूछना था। चलिए, बैंक एफडी में निवेश करने की सोच रही हैं और इस पे कोई टैक्स यानी कि टीडीएस लगता है नहीं। बलवंत जी बताइए, निवेदिता के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? ऐसा है निवेदिता जी, जो एफडी पे जो इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो 10,000 रुपया है। अगर 10,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट होता है तो बैंक आपकी जो एफडी का इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस काटेगी। और ये 10,000 कैलकुलेट करने के लिए ब्रांच पर ब्रांच लिमिट है पूरे बैंक की, एक साथ सब ब्रांच मिला के नहीं है, परंतु एक ब्रांच में आपकी जितनी भी एफडी है उसकी सबकी एक साथ में लिमिट है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि अगर 10,000 से ज़्यादा होती है तो भी आपको पैन नंबर जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 20% के हिसाब से टीडीएस कट जाएगा। और एक बात और बता दूं कि ये जो टीडीएस के जो प्रोविजंस है वो जो आरडी अकाउंट है आपका या जो सेविंग बैंक में जो आपको इंटरेस्ट आता है उसमें कोई लिमिट नहीं है, भले 50,000 रुपये कितना भी इंटरेस्ट आएगा तो उस पर बैंक आपके इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटेगी। जी निवेदिता, अगर आप एफडी करने की सोच रही हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया 10,000 रुपये तक तो कोई टीडीएस नहीं कटता है, उसके बाद टीडीएस कटेगा। पर पैन कार्ड का जरूर याद रखें, जब आप बैंक एफडी खोलती हैं तो आपको अपना पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी, अदरवाइज 20% की दर से आपका टीडीएस कट जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ।